स्वागत है आपका 10 न्यूज में। देखिए आज देश भर में हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस सब लोग मना रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 27 में और देख सकते हैं यहाँ जो आज़ादी का जश्न है वो एक अनोखे अंदाज में मनाया गया है। यहाँ पर जो शहीदों को नमन भी किया गया, हमारी जो संघर्ष थे बलिदानों के उस पर भी चर्चा हुई, साथ ही बच्चों को भी बताया गया कि किस तरह से हमें आज़ादी मिली है और क्या महत्व है आज़ादी का। देखिए हमारे साथ RWA के तमाम सेक्टर वासी भी मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे RWA अध्यक्ष और जहां ये प्रोग्राम तक लग के अध्यक्ष राजीव गर्ग से, और जानेंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या खासा। सर 10 न्यूज़ में सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए आज़ादी का जश्न है, आज़ादी कहने से नहीं मिली है, बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? सबसे पहले मैं 10 न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और सेक्टर 27 RWA पिछले 12 सालों से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाती है। इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य रहता है कि शहीदों को नमन भी किया जाए, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे खेल कूद हो, चाहे स्पर्धा हो या परीक्षाएं हो, उत्तीर्ण करी हैं, उनको हम सम्मानित करते हैं। अपने सेक्टर के जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको सम्मानित करते हैं। इसी के साथ सेक्टर में सद्भावना बनाते हुए सभी लोगों के साथ मिलकर के स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाते हैं और इसमें हमारे सेक्टरवासी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और मैं सबसे केवल एक ही बात कहूँगा कि जैसे हमारे बीच में भी मेजर गौरव आर्य आए थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, हमारे सांसद प्रतिनिधि हमारे, उन्होंने भी एक बात कही थी कि ये आज़ादी जो मिली है ये बहुत ही संघर्ष करने के बाद मिली है, इसको हमें इस तरह से खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। तो जब तक हम लोग एकजुट होकर अपने देश के लिए एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम कुछ भी गलत काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जो हमारे सिपाहियों ने, हमारे देश के बुजुर्गों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया है उसको बढ़ाते हुए अपना उसमें भाग देना चाहिए। देखिए यहाँ पर आज सिंगिंग कार्यक्रम भी हुआ है जो देशभक्ति के गीतों पे एक अलग सी गूंज पूरे ऑडिटोरियम में यहाँ पे गूंज उठी। मैं हमारे साथ हैं मैम, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको इतना अच्छा सबने परफॉर्म किया? मेरा नाम भावना अवस्थी है और मैं दिल्ली स्टेज की एक गायिका हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा सेक्टर 27 में, क्लब 27 में मेरा आज शायद पहला प्रोग्राम है दिलीप जी के साथ, और यहाँ की ऑडियंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ की RWA को जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया, बुलाया और इस आज़ादी के महोत्सव में हमें भी शामिल किया। सर दिलीप सर आप क्या कहना चाहेंगे, अगर दो लाइन गुनगुना दें आज़ादी के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए ये जो गीत है 1964 में हकीकत पिक्चर का गीत था, इस गीत की जो मैंने दो लाइनें गाई हैं इसका मतलब ये है कि जिन वीर सैनिकों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी, अपनी जीवन की आहुति दे दी, उसको इस तरह से व्यर्थ ना जाने दें, आपस में ना लड़ें। हमारा देश इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन सब से घिरा हुआ है, तो हमें मिलजुल के इसका मुकाबला करना है, यही कहना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस है? आज तो बस उमंग ही उमंग हृदय में है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और इतने मतलब कई सैकड़ों सालों की संघर्ष के बाद हम इस दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, इसलिए मेरा दिल तो उमंगों से भरा हुआ है। अब मैम क्या कहना चाहेंगी, कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ सेलिब्रेट किया आपने, सबने मिलकर सब लोग एक साथ आए, एक मंच पे आए, हर एक वर्ग का, बच्चे की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अपनी RWA को भी कहूँगी, वैसे तो मैं भी उसकी पदाधिकारी मतलब सदस्य हूँ, पर ये हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है कि एक नेशनल उत्सव है ये, अपने उत्सव तो सब बनाते हैं, इस आप इस मंच पे आके सबके साथ मिलके ऊर्जावान होकर और जो देशभक्ति की भावना जो आती है
उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं होता। और इसी और उसमें दिलीप जी के गानों ने, भावना जी की कविता ने बहुत ही चार चांद लगाए। स्मिता जी, इनका हमेशा कार्यक्रम सुनते हैं, और राजीव भैया का तो क्या कहना, पूरा देशभक्ति में सारोवार कर देते हैं पूरे सेक्टर 27 को। देखिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर रहा है। मैं उम्मीद करूँगी कि आप भी अपने देश हित में जो भी हो सके ज़रूर योगदान दीजिए, देश से प्यार कीजिए, क्योंकि देश है तो आप हैं। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं टेक न्यूज़।